गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार सिंह, क्लास थर्ड, लेसन फाइव, सिटीज ऑफ इंडिया। आज हम भारत के शहर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे, आपके पास एक एटलस होना चाहिए ताकि आपको आसानी से समझ सके, ठीक है। जो 12 बड़े शहर दिए गए हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, ये आप पॉलिटिकल मैप पर जाइए और इसमें आप इस शहरों को लोकेट करिए, यानी फाइंड करिए, ठीक है। अब आते हैं सिटी। सिटी का डेफिनेशन क्या है, इसको ध्यान से देखिए। A city is a human settlement that is much larger than a village or town. यानी सिटी क्या है, सिटी जो एक ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब जहाँ पर आदमी रहते हैं, क्या आदमी रहते हैं तो गांव में भी तो रहते हैं, लेकिन क्या और क्या आगे है, मच लार्जर देन अ विलेज, यानी एक गांव से ज़्यादा लोग रहते हैं या कस्बे से ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शहर बोलते हैं। इन ए सिटी थाउजेंड ऑफ पीपल आर क्राउडेड इनटू अ स्मॉल एरिया, यानी देखिए गांव में बड़े एरिया में लोग बहुत कम रहते हैं, लेकिन शहर में एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ रहती है। ये क्या करते हैं वहाँ पर, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज आर इन ऑफिस। अधिकतर लोग शहर में क्यों रहते हैं, पहला रीज़न ये है कि लोग ऑफिस में काम करते हैं या फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, इसलिए लोग शहर में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है और इतने ज़्यादा लोग रहते हैं। सिटीज आल्सो हैव मेनी टॉल बिल्डिंग्स, मॉडर्न रोड एंड फ्लाई ओवर्स। शहर में आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और अच्छे अच्छे रोड्स बने होते हैं, फ्लाई ओवर क्या होता है कि रोड्स पर जो पुल बना करके ऊपर से रोड बनाया जाता है उसको हम फ्लाईओवर बोलते हैं। अ नेटवर्क ऑफ ट्रेन एंड बसेज ट्रांसपोर्ट पीपल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, यानी एक शहर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, चाहे वो कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ट्रेन हो या बस हो या एयरपोर्ट हो, ये जो शहर जो है जुड़े रहते हैं। इंडिया हैज मैनी लार्ज सिटी, लेट अस लुक आ फोर ओल्डेस्ट लार्जेस्ट सिटीज। भारत में तो बहुत सारे शहर हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल चार शहरों के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली, मुंबई और कौन सा है, कोलकाता और चेन्नई। तो सबसे पहले हम दिल्ली के बारे में देखेंगे। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। दिल्ली जो है एक बड़ा शहर है और साथ ही साथ हमारे देश की राजधानी भी है। इट इज लोकेटेड नॉर्दर्न इंडिया, भारत की ये नॉर्थ में है और साथ ही साथ ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यानी यमुना के किनारे लोकेटेड है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी। यहाँ पर देखिए एक वर्ड है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी भारत जो है, भारत की राजधानी दिल्ली को हम दूसरे वर्ड में नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कहते हैं, क्योंकि एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और आसपास को मिला करके जो दिल्ली में मिलाया गया है उसको हम नेशनल कैपिटल NCT में कहते हैं। दिल्ली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। दिल्ली जो है वर्ल्ड की पुरानी शहरों में से एक है। टूडे
इट इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, आज भी भारत का और पूरे विश्व का एक बहुत बड़े शहरों में से एक है। एंड स्ट्रेचेज एक्रॉस बोथ बैंक ऑफ यमुना, यानी यमुना के दोनों तरफ ये शहर फैला हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल इट्स इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज लोकेटेड हीयर, यानी भारत सरकार की जो भी ऑफिसेज हैं ऑफिस हैं वो सारा यहाँ पर लोकेट है, यानी स्थित है। कौन कौन लोग रहते हैं यहाँ पर? द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, इसके अलावा मिनिस्टर्स भी यहाँ पर रहते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कम टू वर्क एंड लिव इन दिल्ली, पूरे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं और काम करते हैं और साथ रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज एंड फॉलो डिफरेंट फेथ्स, यानी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और साथ ही साथ अलग अलग धर्मों को लोग मानते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ये सभी धर्मों के लोग दिल्ली में रहते हैं। यहाँ की भाषाएं देखते हैं, यानी लैंग्वेज देखते हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेजेज स्पोकन हियर। दिल्ली में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश एंड ये सब जो है भाषाएं बोली जाती हैं। अब आते हैं क्लाइमेट के बारे में, देखते हैं दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है। इट इज़ वेरी हॉट दिल्ली ड्यूरिंग समर मंथ्स एंड विंटर इट इज़ वेरी कोल्ड। दिल्ली में जब गर्मी पड़ती है तो बहुत भीषण गर्मी पड़ती है और जब सर्दी पड़ती है तो बहुत तेज सर्दी पड़ती है। दिल्ली इज ए सिटी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है कि दिल्ली एक पुराना शहर है, इस कारण से यहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक पाए जाते हैं। उनमें से जो फेमस है हुमायूं टॉम्ब यानी हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट यानी लाल किला, पुराना किला, इंडिया गेट, जंतर मंतर, राष्ट्रपति भवन एंड कुतुब मीनार, ये जो है फेमस मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ फिगर्स भी यहाँ दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये कौन सा पिक्चर है, पहचानते हैं आप? हाँ, ये कुतुब मीनार है। ये दिल्ली के सुल्तान द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। इसकी हाइट जो है 73 मीटर्स है और ये लगभग 1000 साल पहले बनवाया गया था। दूसरा देखिए, ये इंडिया गेट, इंडिया गेट किस लिए बनवाया गया? बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु डाइड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो सिपाहियों की मृत्यु हुई थी या वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनकी याद में ये मेमोरी बनाए गए थे इंडिया गेट। और यहाँ पर देखिए द सेक्रेटरिएट, द सेक्रेटरिएट बिल्डिंग वेयर ऑल द मेन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट लोकेटेड हियर, यानी जो सेक्रेटरिएट बिल्डिंग है यहाँ पर ये भारत सरकार के लोग जितने भी ऑफिस है यहाँ पर ये सेक्रेटरिएट बिल्डिंग की ऑफिस है। अब आते हैं देखते हैं छोले भटूरे गोलगप्पा एंड डिफरेंट काइंड ऑफ चाट आर फेमस स्ट्रीट फूड दिल्ली, कौन कौन से फूड हैं? छोले भटूरे, गोलगप्पा एंड चाट, ये जो है दिल्ली की सबसे मशहूर डिशेज हैं। दूसरा है, अब आते हैं दूसरे शहर के बारे में, मुंबई। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई जो है किसका कैपिटल है? महाराष्ट्र का है। और ये कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया बाय द अरेबियन सी, बाय द मतलब यानी अरेबियन सी के किनारे पर, वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिम के किनारे पर, अरेबियन सी के किनारे स्थित है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई वाज नोन एज बॉम्बे अर्लियर, यानी मुंबई का पुराना नाम क्या था? बॉम्बे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी,
ये एक पोर्ट सिटी भी है। पोर्ट क्या होता है, ध्यान दीजिए, पोर्ट क्या होता है, अ पोर्ट इज ए प्लेस वेयर शिप लोड एंड अनलोड गुड्स एंड पैसेंजर, यानी जहाँ पर शिप आते हैं और अपना सामान लोड करते हैं या अनलोड करते हैं या पैसेंजर यहाँ पर उतरते या चढ़ते हैं, उसको हम पोर्ट बोलते हैं। मुंबई का क्लाइमेट देखते हैं कैसा है। मुंबई इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, यानी यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि ना ही यहाँ गर्मी पड़ती है और ना ही यहाँ सर्दी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए बच्चों, मुंबई जो है समुद्र के किनारे है, शाम को यहाँ पर समुद्र से हवा जो आती है वो ठंडी ठंडी होती है, इस कारण से यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती है, और जब ठंडी पड़ती है तो समुद्र की हवा गर्म होती है, तो ये जब ज़मीन की तरफ आती है तो मुंबई पूरा गर्म रहता है, इस कारण से ठंडी में ठंडक नहीं पड़ती है, सर्दी नहीं पड़ती है। तो इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड समर एंड प्लीजेंट विंटर, यानी गर्मियों में थोड़ी बहुत उमस होती है और सर्दियों में अच्छा एक विंटर होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट रेन हैवली, बरसात के दिनों में यहाँ पर बहुत तेज बारिश होती है। इट हैज़ सेवरल फेमस बीचेज लाइक जूहू बीच एंड चौपाटी बीच, यहाँ बहुत सारे समुद्र बीच यानी बीच होते हैं, किनारे होते हैं, जिसमें से जूहू बीच और चौपाटी बीच फेमस है। पीपुल इन मुंबई फॉलो डिफरेंट फेथ, जैसा कि जानते हैं कि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो मुंबई में भी अधिकतर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, यानी सभी तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पर जो भाषाएँ बोली जाती हैं, मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, ये जो मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर यहाँ पर बोली जाती है। अब आते हैं यहाँ पर, देखते हैं खान पान कैसा है। यहाँ का खान पान बहुत ही अच्छा है, देखते हैं। वड़ा पाव, भेलपूरी एंड पाव भाजी आर द मेन फेमस स्ट्रीट फूड मुंबई, यानी मुंबई के जो स्ट्रीट फूड में फेमस है वड़ा पाव, भेलपूरी और पाव भाजी, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कोलकाता और चेन्नई के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।